हेलो स्टूडेंट, आ गए सभी लोग। चलो भाई, क्या हाल चाल है भाई? सब लोग बढ़िया है? गुड इवनिंग। तो जो है, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 2 बेटा, ये मैं घर से बना रहा हूँ। जरा व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। पहली बार ये लाइव क्लास मैं घर से ले रहा हूँ। जरा व्हाट्सएप पे जरा बोलो, यस सर आवाज़ आ रही है या नो सर आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? चलो बढ़िया, ओके, थैंक यू। आवाज़ आ रही है? बहुत बढ़िया, आवाज़ अच्छी आ रही है, ठीक है। तो 2 दिन बेटा थोड़ा बुखार रहा था हमको, तो क्लास मैंने नहीं ली। वायरल फीवर था, कोरोना नहीं था। और कुछ लोग कह सर टेस्टिंग करा लो, लेकिन खैर सही हो गया है। हल्का हल्का अभी आ जाता है, 98 पॉइंट समथिंग। खैर कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि एक पतली सी कॉपी बना लेना, और मैंने आपसे ये भी बोला था, ये आपकी कॉपी है, लेफ्ट पेज पर आप क्वेश्चन लिखेंगे और राइट पेज पर उसकी रिलेटेड थ्योरी लिखेंगे। लेफ्ट पेज पर क्वेश्चन, राइट पेज पर रिलेटेड थ्योरी हम लोग उसकी लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, लाइट थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अपने कमरे में बना रहा हूँ, थोड़ा साफ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन के लेक्चर 1 में। हम लोगों ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन देखा था। हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन देखा था। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस देखी थी, डीकार्बोक्सीलेशन देखा था। और भी इपॉक्साइड की रिएक्शंस हम लोगों ने देखी थी, MCPBA और MMPA भी हम लोगों ने, MMPP मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट, MMPP ये भी हम लोगों ने देखा था। इपॉक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं इसका। तो काफ़ी सारी रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। शायद मैंने एक SW दिया था, बहुत से स्टूडेंट ने उसका राइट आंसर दिया। आइए मैं भी देख लेता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन दिया था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन पैलेडियम सल्फर A, और A के ऊपर हम लोगों ने डाला था MCPBA या MMPP, तो B बनेगा, और B का हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया था तो C और D बोला था, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिग्नोड रिएजेंट फॉलोड बाय वाटर, तो ई एंड एफ मैंने आपको दिया था। ये HW का क्वेश्चन था, ओके। अब जरा देखो बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल, ये आप लोग समझ गए होंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज लिंडलर्स कैटलिस्ट। पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, एक पाई बॉन्ड कटेगा, एक एच यहाँ, सिस एल्कीन बनती है। वो अलग बात है कि यहाँ पर सिस और ट्रांस का मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर ए आपका बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सिस और ट्रांस का मतलब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता तो ये सिस बनता। इसके बाद आपने ये देखिए क्या डाला है, इपॉक्सीडेशन होगा, तो आपका जो बी बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, बी आपका ये होगा, एपॉक्साइड होगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब बी की हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराई है। मैं एक बार अपने छात्रों को बताना चाहता हूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ,
जब हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिडिक मीडियम में इपॉक्साइड लिंकेज की ब्रेकिंग होती है, और जब गिगनॉट से कराते हैं तो गिगनॉट इज द सोर्स ऑफ आर माइनस, आर माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, आर माइनस इज ए बेस, तो ये बेस कैटलाइज्ड ब्रेकिंग होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 है, जबकि यहाँ पर मैंने SN1 बोला था, और लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये एक्चुअली में SN1 SN2 की मिक्स्ड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब सवाल ये उठ रहा, ध्यान दो बेटा, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ फिर आगे की चर्चा चालू करूँगा। देखिए, एसिडिक मीडियम में अगर हम कराएंगे सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के कारण ओ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इन पर झेल कर पॉजिटिव चार्ज आएगा, चूंकि ये SN1 SN2 की मिक्स मैकेनिज्म है, ध्यान दो बेटा, तो ये वाटर जो होता है ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पर अटैक करता है, मतलब ये अटैक करेगा यहाँ पर। अगर मैं क्वेश्चन को और अच्छा कर दूं, मान लो मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगा दूं, इस वाटर पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, तो सवाल ये है कि यहाँ से जो OH आएगा वो इस कार्बन पे आएगा या इस कार्बन पे आएगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि SN1 मैकेनिज्म है, इसलिए ये मोर स्टेबल कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो वॉट इज CND, CND क्या होगा, ये देखिए, ये जो वाटर ने अटैक किया ये वो वाला OH है और ये OH नीचे की तरफ है। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे एसिड कैटलाइज क्लीवेज हो चाहे बेस कैटलाइज क्लीवेज हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक हमेशा इपॉक्सी लिंकेज के अपोजिट साइड से ही करता है। क्यों अपोजिट साइड से करता है, रीजन साफ है कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है और ओ जो है वो इलेक्ट्रॉनों को लेके अलग भी होना चाहता है, तो दो न्यूक्लियोफाइल अगर एक साइड से अटैक करेंगे तो रिपल्सन फील होगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इपॉक्सी लिंकेज में जब भी ब्रेकिंग होती है, वो एसिड कैटलाइज्ड ब्रेकिंग हो या बेस कैटलाइज्ड ब्रेकिंग हो, हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड या पीछे से ही अटैक करता है, चाहे वो हाइड्रोलिसिस में वाटर का अटैक हो रहा हो और चाहे वो ग्रिगनॉट रिएजेंट में आर माइनस का अटैक हो रहा हो, हमेशा पीछे से अटैक होगा। जब भी जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांस ही बनता है, क्या बनता है बेटा, ट्रांस। सो दिस इज सी। अब मैंने शायद उस दिन एक क्वेश्चन और कराया था तो मैंने यहां पर सी और डी लिख दिया था, एक्चुअली में सिर्फ सी ही बनेगा, डी का कोई मतलब है नहीं। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कायरल कार्बन तो है नहीं, है ना। अगर बेटा ये वाला कार्बन पर यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो यस, सी और डी दो चीजों का फॉर्मेशन होता। यहां पर तो सिंपल पीछे से अटैक हुआ, ये वाला OH जो है वो नीचे की तरफ आ गया और ट्रांस ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो गया, सी बनेगा, और यहां पर भी ई बनना है। अब यहां पर देखो, सी और डी, ई और एफ मैंने क्यों लिखा, मैं बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। खैर, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया कि वाटर का OH जो है SN1 का मतलब ही हो गया मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, इसलिए ये यहां पर अटैक करेगा और ये वाला जो OH है वो यहां पर आएगा, दिस इज सी। बात करते हैं ग्रिगनॉड रिएजेंट की, बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म में CH3 माइनस अटैक करेगा, और आपको मालूम है SN2 का मतलब होता है लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा, तो ये CH3 माइनस इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये O यहां पे माइनस के रूप में आएगा जो वाटर से H+ लेगा, तो आपका E क्या बनेगा, आपका E ये बनेगा। देखिए, जानबूझकर मैंने CH3 को ऊपर लिखा है, ऑल्दो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है तो ऊपर नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इपॉक्साइड लिंकेज की जब भी ब्रेकिंग होती है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे से ही अटैक करता है। सो दिस इज सी एंड दिस इज ई। इज इट क्लियर बेटा, जस्ट ए मिनट। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था। सबसे पहले लिंडलर कैटलिस्ट ने पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया, एल्काइन एल्कीन में बदल गया, एल्कीन का इपॉक्सीडेशन हुआ, आपका इपॉक्साइड बन गया। अब इपॉक्साइड का एसिड कैटलाइज्ड ब्रेकिंग होगा, और एक बार मैंने बेस कैटलाइज्ड ब्रेकिंग कराया, ब्रेकिंग कोई भी हो रहा हो अटैक न्यूक्लियोफाइल पीछे से ही करेगा। अगर एसिड कैटलाइज्ड है तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे अटैक होगा, क्योंकि वो SN1 SN2 मिक्स होता है,
और अगर वो बेस कैटलाइज्ड है तो हमेशा SN2 को फॉलो करता है, लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक होगा. सो दिस इज द आंसर. राइट, आप जरा इसको लिखना चाहे आप लिख ले, तब तक जरा मैं AC ऑन कर लेता हूं क्योंकि थोड़ी गर्मी लग रही है. ठीक है, आवाज मेरे ख्याल से सही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये आप लोगों ने लिख लिया. अब मैं अपने छात्रों को C+D और E+F का भी मतलब बता देना चाहता हूं और फिर आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे. जैसे मान लो बेटा यहां पर सी और डी, ई और एफ का मतलब नहीं था, लेकिन अगर बेटा ये होता तो मतलब बनेगा. जैसे मान लो जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, ध्यान से देखिएगा, SW वाले क्वेश्चन में CDEF का मतलब नहीं था, लेकिन यहां पे मतलब बनेगा. दिस इज इपॉक्सीडेशन, व्हाट इज A, ये सवाल में क्लास में करा चुका हूं. ये बना, अब देखना, एसिड कैटलाइज्ड है, सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ होगा, यहां पे झेल के पार्शियल पॉजिटिव आया और ये बदल गया होगा OH+ में. अब दोनों कार्बन जो है वो इक्विवेलेंट है, जैसा जितना स्टेबल ये है उतना स्टेबल ये है. तो जब ये SN1 मैकेनिज्म में पीछे से अटैक करेगा, अब ध्यान देना, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर इसने पीछे से अटैक किया यहां पर तो ये आगे की तरफ आया, मतलब प्रोडक्ट आपका ये बन गया. प्लीज ध्यान देना, पानी ने पीछे से अंदर की तरफ से अटैक किया तो इपॉक्सी वाला जो O होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, और अगर ये इस वाले कार्बन पर पीछे से अटैक करे, दोनों पे अटैक कर सकता है क्योंकि दोनों जो है सेम कार्बोकैटायन है, ना कोई ज्यादा स्टेबल है ना कोई कम स्टेबल है. अगर इसने यहां पर पीछे से अटैक किया तो ये वाला OH बाहर की तरफ आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा. यहां पर COD ट्रांस ये भी है, ट्रांस ये भी है, लेकिन यहां पर देखिए कन्फिग्रेशन पलट चुका है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, कॉन्फ़िगरेशन दोनों के अराउंड पलट चुका है, इसलिए यहां पर मामला चेंज हो जाएगा. और इसके जो पहला वाला सवाल था जो SW था, वहां पर एक ही कायरल कार्बन प्रोड्यूस हो रहा था, तो वहां पर COD का मतलब नहीं था, इस क्वेश्चन में COD का मतलब है. राइट, सेम चीज की बड़ा यहां पर भी है. अब ये CH3- लेस हिंडर्ड कार्बन पर पीछे से अटैक करेगा, अब दोनों के दोनों सेम है, तो अगर इस पर पीछे से अटैक कराया तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा. और अगर इस पर पीछे से अटैक कराया तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा. देखिए दो कायरल कार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं और दोनों में कॉन्फ़िगरेशन जो है पलट चुका है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में C+D और E+F का मतलब था, लेकिन जो मैंने HW दिया था वहां पर C+D और E+F का मतलब नहीं था क्योंकि एक ही कायरल कार्बन प्रोड्यूस हो रहा था. उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल हुआ. बोलो यस और नो, बोलो मैं कहो यस और नो, बात सही है गलत बताओ, बोलो क्लियर हुआ पॉइंट बेटा. चलो अब मैं आज की क्लास चालू करने जा रहा हूं. दिस इज ऑल अबाउट द SW. क्लास डेढ़ घंटे से ऊपर भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके बोलो भाई, यस और नो, यस और नो बोलो. इस सवाल में कोई प्रॉब्लम बोलो, आवाज आ रही है सर. इस सवाल में बताओ, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम बोलो, यस और नो. क्वेश्चन क्लियर है बोलो. अबे यस और नो तो बोल दो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, कुछ तो बोल दो. कमेंट बेटा मैं छूना नहीं चाहता हूं मोबाइल, कहीं छूने पे कुछ ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी बेटा. नो प्रॉब्लम सर. अबरार अंसारी, बढ़िया बेटा, ठीक है, वॉइस भी बढ़िया है, वीडियो भी साफ है, घर पे बना रहे हैं भैया. ओके आराध्या साख, यस सर.
ठीक है। आरती यादव, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, आवाज भी बढ़िया आ रही है। चले क्या मैं आज की क्लास चालू करूं? ओके, तो आज की क्लास अब चालू होने जा रही है। देखिए, देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन देना है मेरे को, क्लियर? शायस्ता महमूद ने बोला, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देने से पहले, जैसा कि मैं देख रहा हूं, मुझे तीन चार रिएक्शन पढ़ानी पड़ेंगी। तो ओके, हम लोग पहुंचते हैं पेज रिलेटेड थ्योरी पर, और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पर हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। देखिए बेटा, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, ओजोन के द्वारा, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, हम लोग जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ओजोन की हेल्प से तोड़ते हैं, द फिनोमिना इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। एक्चुअली बेटा, ओजोनोलिसिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, देयर इज एडिशन ऑफ ओजोन, एंड देन जो प्रोडक्ट बनता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओजोन की एडिशन के होने के बाद प्रोडक्ट बनता है ओजोनाइट, जिसका कोई मतलब नहीं होता, अनस्टेबल है, एक्सप्लोसिव होता है, कोई मतलब नहीं है इसका। सबसे पहले ओजोन का एडिशन होता है, प्रोडक्ट बनता है ओजोनाइट, फिर इस ओजोनाइट को हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। दिस टू स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। आइए देखते हैं, इसे मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, आपकी कॉपी में अक्सर ऐसे लिख के आएगा, ओजोन बना होगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। देखिए बेटा, इंटरमीडिएट क्या बनता है? ओजोनाइट। कैसे बनता है? आज कोई हम क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, और वो बेकार चीज है, कभी नहीं पूछा जाता। मैं सीधे आपको प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं कैसे बनाते हैं। वेरी सिंपल, कार्बन कार्बन दो बॉन्डों को काटो, जहां बैठे बोलो, मैंने क्या बोला? कार्बन कार्बन दो बॉन्डों को काटो और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो। यस, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस। दो हाथ इसके खाली हुए, डबल बॉन्ड से इसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया, एंड दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज अगेन एल्डिहाइड, CH2O बोले तो HCHO। अब सुनना बेटा, ये जो वाटर होता है बेटा, चूंकि मैंने इंटरमीडिएट बनाकर नहीं दिखाया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा अभी कि H2O H2O2 में कैसे बदल जाता है। ये H2O2 में बदलता है। आप ऐसे समझो जरा, ओजोन के पास तीन ऑक्सीजन थे, दो ऑक्सीजन यहां पे खर्च हो गए, एक ऑक्सीजन बचा जिसे ये वाटर ले लेता है और H2O2 में बदल जाता है, विच इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छे से आप जानते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुने बेटा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बर्तन में बना रहा, तो ये बने हुए एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग ने पिछली क्लास में ये देखा था कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है? इट कैन फर्दर ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड इनटू एसिड। तो बेटा, कहीं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बने हुए एल्डिहाइड को बर्बाद ना कर दे, एसिड में ना बदल दे। हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं जिंक डस्ट का। ये जिंक डस्ट बेटा क्या करेगा? इस H2O2 से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन, को घसीट लेता है और उसको बर्बाद कर देता है। इस प्रकार से आपके प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। सिंपल, डबल बॉन्ड को काटो, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। अगर जिंक डस्ट आपने नहीं लिया, तो H2O2 बने हुए एल्डिहाइड को, ध्यान रखिए कीटोन पर कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन बने हुए एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स, मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा। हाँ, देखिए मैंने हल्के में हिंट आपको यह भी दे दिया कि इंटरमीडिएट जो बनता है उसका नाम क्या होता है? ओजोनाइड उसका नाम होता है, एक्सप्लोसिव होता है। नोट्स बनाइएगा बेटा,
अगर मैंने पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा दिया जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इतनी ही थ्योरी से। हमारी क्लास की थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी थ्योरी से कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया, क्या ध्यान से सब लोग देखेंगे, आप देख रहे हैं मैंने जिंक डस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, ओजोनोलिसिस होगी लेकिन जिंक डस्ट नहीं लिया है। तो अगर जो एल्डिहाइड बनेगा हम उसको फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज करेंगे। आइए डबल बॉन्ड को काटो, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, दो बॉन्ड खाली हुए, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, यह बन गया एल्डिहाइड, नाम एस्टेल्डिहाइड प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, यह बन गया कीटोन। एसीटोन कीटोन। अब चूंकि बेटा आपने जिंगनेस नहीं लिया है इसलिए जो H2O2 बन रहा होगा वो इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज योर आंसर, एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। तो इस कंपाउंड की अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। आओ कुछ और देखते हैं। इसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया, लिख लिया सब लोगों ने, जब मैं ये पढ़ा देता हूं तो मैं बच्चों की स्पीड बढ़ाने के लिए एक पॉइंट बोलता हूं, जो उस पॉइंट को देखिएगा। देखिए बेटा, जिस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हैं और एक एक ऑक्सीजन दे रहे हैं, दन दो, अगर उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास स्पीड बढ़ाने के लिए बस हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड में बदलता है, और अगर उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटोन में बदलता है। एक स्पीड बढ़ाने का ये तरीका मैंने आपको बताया। मैंने एग्जांपल ये लिया और तरीका वही है, एरो के ऊपर और नीचे क्या लिखा होगा आप समझ गए। जल्दी से बताइए, मैंने जिंकडस लिख दिया है मतलब एल्डिहाइड अगर बना तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आइए बेटा, दो डबल बॉन्ड ने, तरीका वही है, डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो। बोलो क्या बोला, डबल बॉन्ड को काटो और एक एक ऑक्सीजन बांटो, डबल बॉन्ड को काटो एक एक ऑक्सीजन बांटो। क्या क्या प्रोडक्ट देखिए बन चुके हैं, CH3CHO बन गया है पहला, ये देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, नाम होता है ग्लाइऑक्सल प्लस CHO पर साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, CHO पर साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये चार प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने आ गए। डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो, जिंक डस्ट अगर नहीं लिया तो बना हुआ एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, से बेंजीन, चलो बेंजीन को ले, एक सीधे ले लेते हैं टोलुइन, और अगेन आपके सामने समझ गए मेरे बच्चे, जिंगडस ले लिया है, फर्दर ऑक्सीजन नहीं होगा। आप देखिए, डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो, डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो, CHO सिंगल बॉन्ड CHO अगेन ग्लाइऑक्सल, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है CH3, सी डबल बॉन्ड ओ सब्स्टिट्यूएंट लगा है CH3 और CHO, मतलब टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल आपको मिले। अब इसका नाम कैसे करना है बेटा, अगर ये CH3 ना होता, इसकी जगह पर हाइड्रोजन होता तो इसका नाम होता ग्लाइऑक्सल। आपने ग्लाइऑक्सल में एक H को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम बेटा बन गया मिथाइल
ग्लाइऑक्सल। इसका नाम बेटा बन गया मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है तो वो CHO में बदलता है, और नहीं होता है तो C डबल बॉन्ड वो कीटोन में बदलता है। और जरा आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए सवाल हम आपको ये दे दें, इस सवाल से कुछ सिखाना चाहेंगे हम आपको, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए ये दे दिया, ठीक। अब इस सवाल से हम क्या सिखाना चाह रहे हैं देखिए, देखिए अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसको भी तोड़ेंगे ओ देंगे और इनको भी तोड़कर ओ देते हैं। देखिए मेरा कहना ये है, अगर बेंजीन के बाहर आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है तो फिर हम लोग बेंजीन के डबल बॉन्ड का, तो बेटा जब तुम ऑप्शन देखोगे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। सोचो ना, अगर सिर्फ ये वाला बॉन्ड का ओजोनोलिसिस हो तो आपको सिर्फ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक फॉर्मेल्डिहाइड एक बेंजल्डिहाइड। अब मान लो चारों ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जहां पे दो प्रोडक्ट थे, हर ऑप्शन में तीन तीन चार चार प्रोडक्ट लिखे हुए थे, तो अगर तीन तीन चार चार प्रोडक्ट लिखे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक हो रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस होता है, ये ऑप्शन को देखकर हम विचार करते हैं कि बेंजीन को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। मान लीजिए हमें बेंजीन को नहीं तोड़ना है तो सिंपल इसको दे दिया, एक बन गया बेंजल्डिहाइड और एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इज इट क्लियर बेटा? देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें तो नहीं बोल पाऊंगा बट आपका काम नहीं रुकेगा, इसकी मेरी लिखित गारंटी है। चाहो तो घर पे आके स्टाम्प पेपर पे साइन करा लेना। मैंने आपको दिया साइक्लोब्यूटीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका आप लोग समझ ही गए होंगे बेटा। डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो। लिसन टू मी, अगर इसके पास H हुआ तो ये CHO में बदलेगा, H नहीं हुआ तो कीटोन में बदलेगा, राइट? आओ देखें, आओ देखें, इस कार्बन की एक दो तीन वैलेंसी दिखाई पड़ रही है तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी चौथी वैलेंसी के पास H होगा और इसकी भी चौथी वैलेंसी के पास H होगा, तो यही बदल गया CHO में, एक कार्बन दो कार्बन और फिर से CHO, तो CHO एक कार्बन दो कार्बन और फिर से CHO, दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से आप किसी का भी ओजोनोलिसिस करवा सकते हैं, डबल बॉन्ड को काटो एक एक ऑक्सीजन बांटो। अगर बेंजीन के बाहर डबल बॉन्ड है तो यूजली हम लोग बेंजीन की ओजोनोलिसिस नहीं करवाते हैं, फिर भी एक बार ऑप्शन को देख लीजिएगा, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो बेंजीन की भी करवा दीजिएगा। ओके, अगर आपको समझ में आया है then please tell me answer, what is the product and also write its IUPAC name. You have 30 seconds only. Yes, also write its IUPAC name. मैं comment देख रहा हूं, what is the product? अब छूने का मन नहीं कर रहा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो छोड़ो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कहां से चलेगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड आल्सो राइट द IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट। हो गया, चलो। जिंक डस्ट आपने लिया है, बना हुआ एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ओके, डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन को बांटो। आप एक बार चेक कर लो एच है कि नहीं है, इसके पास तो एच नहीं है, इसकी ये CHO में बदलेगा और ये सी डबल बॉन्ड ओ जिस पर एक सब्स्टिट्यूएंट CH3, ध्यान दें सब लोग, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, एक CH2, दो CH2, एक CH2,
दो सी एस टू, तीन सी एस टू और फिर सी एच ओ। ये देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आपसे इसका आईयूपीएसी नाम करने को कहा था। सी एच ओ इज अ सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो एक दो तीन चार पांच छह, मेरे बच्चे जानते हैं वैसे तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसके कार्बन को काउंट नहीं करते, लेकिन कीटोन को फ्रीडम प्राप्त है। सो सिक्स कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, प्रिंसिपल चेन में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, प्राइमरी सफिक्स होगा एन और सेकेंडरी सफिक्स है वन पर अल। बात करें प्रीफिक्स की, फाइव पे लगा है कीटो या ऑक्सो, एक ही बात है। तो फाइव ऑक्सो हेक्सेन वन अल, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, एक मूर्ख यादव जी थप्पड़ पड़ जाएगा बेटा बहुत तेज। प्राइमरी सफिक्स कौन लगाएगा यादव जी, है हेक्स वन अल आपने बोल दिया, एन कौन लगाएगा, ध्यान दो बेटा आपने एन नहीं लगाया। चलिए बेटा, सो दिस इज अबाउट द ओजोनोलिसिस। अब हम लोग बेटा बात करेंगे, चल सुनो, आपको ओजोनोलिसिस करना आया, डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन को बांटो। अब सुनना, ओजोनोलिसिस में एक दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हमें प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं और हमसे एल्कीन पूछी जाती है, मतलब हमको बैकवर्ड रिएक्शन चलानी है। इसे बेटा हम लोग ऑर्गेनिक की भाषा में कहते हैं बैक ट्रेसिंग, प्रोडक्ट को देखकर रिएक्टेंट को हमें प्राप्त करना है, बैक ट्रेसिंग। सुनो, बात करें हम लोग व्हाट इज बैक ट्रेसिंग। बेटा एक झटके में समझ में आएगा, सुनो बेटा, क्यों ना मैं इसी एग्जांपल से अपने बच्चों को बैक ट्रेसिंग सिखा दूं। देखा जरा सब लोग, इसी एग्जांपल से करते हैं अपन, ठीक है। अब देखना बेटा, तुमने डबल बॉन्ड को काटा, एक एक ऑक्सीजन को बांटा, आपका प्रोडक्ट बन गया। सोचो अगर इस प्रोडक्ट में जो दो कार्बोनिल कंपाउंड है, अब यहां तो सिंगल ही बना है, तो दो जो कार्बोनिल कंपाउंड है अगर इनके ऑक्सीजनों को हम इस तरीके से हटा दें और उन कार्बनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दें तो वापस से ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा। विकास पूर्वाल, इसी को कहते हैं चोंच से चोंच लड़ाओ। बोलो क्या कहते हैं, चोंच से चोंच लड़ाओ और चोंच पकड़ के घसीट दो हुजूर, आपका रिएक्टेंट आपके सामने होगा। ये देखो दोनों की चोंचें, चोंच से चोंच लड़ाओ और चोंच को पकड़ के घसीट दो और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, आपका रिएक्टेंट आपके सामने होगा। राइट, सो दिस इज द टेक्निक टू एक्सप्लेन बैक ट्रेसिंग, चोंच से चोंच लड़ाओ। समय देखेंगे, हर समय ये काम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो जैसे मान लीजिए एक एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक दो सवाल करा देंगे बस। ए ये दे दिया और यहां पर से कुछ भी ले लो, आपसे पूछा बताइए ए क्या। देखिए बेटा पूरी क्लास इस चीज को देख के समझ चुकी है कि ये ओजोनोलिसिस हो रहा है। अब यहां पर दो कंपाउंड बनने हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप इसके पास है, एक कार्बोनिल ग्रुप उसके पास है। इन दोनों को एक दूसरे के तरफ ऐसे रखो कि चोंच से चोंच लड़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जाहिर सी बात है, एक ऐसे होगा तो दूसरा उसके सामने ऐसे ही होगा, तभी तो चोंच से चोंच लड़ेगी, है ना। तो और ला के देखते बेटा, चोंच से चोंच लगाओ, ये पहला वाला रहा, उसकी चोंच बाहर निकाल दी, और ये रहा दूसरा वाला, उसकी चोंच भी बाहर निकाल दी। अब धीरे से दोनों की चोंचों को पकड़ के घसीट दो और कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो व्हाट इज ए, ए इज
दिस दिस इज ए. ओके सो दिस इज कॉल्ड बैक ट्रेसिंग. चोंच से चोंच लड़ाओ, दिस इज कॉल्ड बैक ट्रेसिंग. राइट, आगे बढ़े. ठीक है, बाकी सवाल आप कर लेंगे. चलिए एक एक सवाल और दे दे रहे, एक क्वेश्चन और करके देख लो. लिख लिया होगा, चोंच से चोंच लड़ाओ. एक क्वेश्चन मैं और दे दे रहा हूं बैक ट्रेसिंग का. मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ए, और मैंने आपको दिया से फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजल्डिहाइड. आप देख रहे हैं बेटा, आप देख रहे हैं बेटा, मैंने बेंजल्डिहाइड दिया है. इट मींस यहां पर जो बेंजीन रिंग होगी मैंने उसको ब्रेक नहीं किया होगा. अब जरा ध्यान देखना बेटा, यार चोंच से चोंच लड़ानी है, दो लोग होते तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, यहां तो तीन तीन लोग हैं, अब क्या किया जाए. ध्यान से देखो, इस प्रोडक्ट के पास एक चोंच है, एक चोंच है, चोंच का मतलब कार्बोनिल ग्रुप. इस प्रोडक्ट के पास भी एक ही चोंच है, लेकिन भैया ध्यान से देखो, ये साला बदतमीज आदमी है, ये बड़ा तुम लोगों पे गया है, इसके पास दो चोंचे हैं. ये देखो, ओहो, कार्बन डाइऑक्साइड दो चोंचे हैं, एक चोंच यहां लड़ाएगा, एक चोंच यहां लड़ाएगा, इसका इसका पता ना चल पाएगा और इसको इसका पता ना चल पाएगा. खैर हमें पता चल गया है, पकड़ के चोंच हटा दी. चिल्ला रहा है, डरना नहीं, चोंच से चोंच हटाते जाओ. और ये देखो आपका ए बन गया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और ये रही बेंजीन. तो ध्यान दो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए डबल चोंचू कंपाउंड. इसकी दो चोंचे होती हैं, एक चोंच यहां लड़ाएगा, एक चोंच यहां लड़ाएगा. चोंच से चोंच यहां हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो. चोंच से चोंच यहां हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो, आपका रिएक्टेंट आपके सामने होगा. सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन. राइट, आइए एक डबल चोंचू कंपाउंड पर एक सवाल और दे देते हैं. डबल चोंचू कंपाउंड जिसके पास दो चोंचे हो, दो चोंचों का मतलब है जिसके पास दो कार्बोनिल ग्रुप हो. मैंने आपको दिया ये दिया. मैंने कहा ए का हमने ओजोनोलिसिस करवाया और हमको टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल प्राप्त हो रहे हैं. अब देखना, प्रत्येक ग्लाइऑक्सल डबल चोंचू कंपाउंड है, दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो दो ग्लाइऑक्सल आपके पास है, तो आपको बनाना था ए क्या होगा. तरीका वही है, पहला ग्लाइऑक्सल डबल चोंचू और दूसरा ग्लाइऑक्सल डबल चोंचू. और हुजूर चोंच से चोंच लड़ाओ ए, ये भैया तो कार्बन डबल बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां फोर कार्बन की रिंग बन चुकी है, और आप देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां. दिस इज व्हाट ए. सो दिस इज अबाउट द ओजोनोलिसिस. राइट, चलिए इतना बहुत है फास्ट रिवीजन में, नहीं तो फिर पूरी क्लास ही चालू हो जाएगी. क्लास चालू नहीं करनी है, आगे बढ़ने जा रहे हैं. आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन को लेके कुछ रिडक्शंस हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं. रिडक्शन रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन ओनली. ओके, क्या मैं इसको रब कर दूं बेटा, क्या आप एंजॉय कर रहे हैं बेटा, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है.
ठीक है, दीक्षा स्टूडेंट आर टू, ठीक है, आ रहा है भाई। चलिए अगला बेटा पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ रिडक्शंस रिलेटेड टू एल्केन हाइड्रोकार्बन लेके बताना चाहेंगे। देखिए बेटा, पहला है कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन इनटू एल्केन। कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में रिड्यूस करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिडक्शन कैसे हुआ होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बॉन्ड कटे होंगे, दो एच इधर, दो एच इधर, कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में रिड्यूस हो गया। हमारे पास दो तरीके हैं कार्बोनिल को एल्केन में रिड्यूस करने के, एक का नाम बेटा है वुल्फ किशनर रिडक्शन और दूसरे का बेटा नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। वुल्फ किशनर रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्राजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड, याद करना बेटा। और क्लीमेंसन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होता है अमलगेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट HCl। तो कार्बोनिल ग्रुप को अगर एल्केन में रिड्यूस करना है, बहुत प्यारी दो नेम रिएक्शन आपके पास है, वुल्फ किशनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन, हाइड्राजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड और अमलगेटेड जिंक प्लस कंसेंट्रेट HCl। मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसे याद करवाता हूं, अमलगेटेड जिंक ने कंसेंट्रेट HCl पर क्लेम किया, तो क्लेम किया से बन गया क्लीमेंसन। तो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ क्लीमेंसन, सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ वुल्फ किशनर रिडक्शन। राइट, एग्जाम्पल कराने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। दूसरा बेटा रिडक्शन जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, दैट इज ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का रिडक्शन एल्केन में, एंड द वेरी पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट इज रेड फास्फोरस प्लस HI। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बोले तो एल्कोहल, ईथर, अगेन देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड, जगह नहीं है, बाद में बताएंगे, एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पर अगर रेड फास्फोरस प्लस HI डाल दिया जाए, तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काटते जाओ, एक एक H बांटते जाओ, क्या बन गया RH एल्केन। बॉन्ड काटा H बांटा, बॉन्ड काटा H बांटा, क्योंकि दो साइड चेने होती हैं ईथर में, इसलिए दो एल्केन बनेंगे। डबल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड कटेंगे, दो दो H बटेंगे। ध्यान से सब लोग देखेंगे प्लीज, देखिए बेटा एसिड में क्या होता है, ये बॉन्ड कटा, एक एक H बटा। अब जब ये बॉन्ड कटा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आप देख सकते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, बोले तो ऊपर वाला। तो ये एल्डिहाइड आपको प्राप्त नहीं होगा, इस एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा 2H, 2H, और आपको एल्केन ही प्राप्त होगा। ओके बेटा, तो एसिड अगर आप लेते हैं तो आपको इंटरमीडिएट एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन वो प्राप्त नहीं होगा, वो इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएगा इनटू एल्केन। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर आप रेड फास्फोरस प्लस HI डालते हैं, तो करस्पॉन्डिंग कार्बन का एल्केन आपको प्राप्त हो जाता है। मैं
ये किताबी वाली लाइन नहीं बोलता हूं कि जितने कार्बन हो उतने कार्बन का एल्केन बना दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे बोलने में। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काटते जाओ, एक एक हाइड्रोजन बांटते जाओ, राइट। एसिड के बाद नीचे एसिड डेरिवेटिव भी होंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो, हमारे बच्चे जानते हैं एसिड डेरिवेटिव, ध्यान देंगे सभी लोग, अगर जी की जगह ओ आर हो गया ईस्टर, जी की जगह ओ सी ओ आर हो गया एनहाइड्राइड, जी की जगह सी एल हो गया क्लोराइड, और जी की जगह एन एस टू हो गया तो एमाइड बन जाएगा, राइट। आपने ये कंटिन्यू लिख रहे हैं ना आप लोग, करवाया आपने, ध्यान बेटा। एसिड डेरिवेटिव में एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो सकता है बट नॉट एमाइड। आपका एल्केन बनेगा, बनाने का तरीका वही है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काटो, एक एक एच बांटो, इंटरमीडिएट बनेगा एल्डिहाइड जो इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएगा दो एच दो एच, तो आर सी एस थ्री आपको प्राप्त हो गया। दिस इज अबाउट एसिड डेरिवेटिव। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर सर एमाइड ले लेंगे तो क्या होगा। बेटा एमाइड अगर आप लेते हैं, इसको डब्बे के अंदर लिखेंगे, कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह आपको एल्केन प्राप्त होगा, लेकिन अगर आपने एमाइड ले लिया और आपने इस पर रेड फास्फोरस प्लस एच आई डाला, तो ध्यान रखिएगा ये कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज को ब्रेक नहीं कर पाता है, इसकी औकात कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज को ब्रेक करने की होती है। तो दो एच यहां, दो एच यहां, और आपको प्राप्त होगा प्राइमरी एमीन। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है। ओके, तो आप लोगों ने मुझसे रिलेटेड थ्योरी में ओजोनोलिसिस पढ़ा, आप लोगों ने रिडक्शन में आपने वुल्फ किशनर और क्लीमेंसन पढ़ा, विच इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद आपने वेरी वाइडली